नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्तंकु स्वागत। आज हमें नवम श्रेणी साहित्य बहीर बंदे उत्कल जननी कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेबे वीडियो टी को आरंभ करिया पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन रे क्लिक करी ऑल ऑप्शन रे क्लिक करंतु, जहाँफल नुआ नुआ वीडियो गुड़ी कर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चालंतु वीडियो टी को आरंभ करिबा। तेबे देख पिला माने अभ्यास कार्यर एक नंबर निम्नलिखित उक्ति मध्यरु ठीक उक्ति गुड़िक बाछी लेख। करे दिछि उत्कल जननी को हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कुहा जाइछि। तेबे एई उक्ति टी ठीक ना भूल? ताले कविता रे कोन कुहा जाइछि उत्कल जननी को हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कुहा जाइछि, एई उक्ति टी ताले ठीक हबो ना? एटी ठीक चिन्ह देबा। तापर देख ख नील वनभूमि उत्कल जननी देहरे शोभा पाउची, ताले ए उक्ति ठीक ना भूल अछि? एटा भूल अछि ना, नील वनभूमि हो कि एटा भूल अछि हला। तापर देख ग सुंदर पक्षी मानक कलरबरे मुखरित हुए परिवेश, ताले एटा ठीक अछि कि? एटा ठीक अछि उक्ति। तापर देख घ ओडिसा मा सुंदर सरीस क्षेत्र रे सुशोभिता, ताले ए उक्ति आमर कविता रे नाही हला। तो याकु छक चिन्ह दे दिल्ली। तापर देख ओरे उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञान रे विज्ञान आलोक आलोकित, ताले ए उक्ति ठीक अच्छे कि? एटा ठीक अच्छे हला। तापर देख च पशु मान रक्त चर्चित होइछि उत्कल जननी पाद, ताले एटा भूल अच्छे, पशु मान रक्त हे कि? एटा भूल अच्छे हला, शत्रु मान रक्त ना हो। तापर देख छ पवित्र तीर्थस्थान मानक परिपूर्ण होइछि उत्कल प्रदेश, ताले एटा ठीक अच्छे उक्ति ठीक अच्छे। तो यू जे उक्ति गुड़ाक ठीक ताक बाछिकी लिखि नब। तापर देख दुई नंबर एटी कौन कही बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो ये देख कौन कौन दे शब्द गुड़ाक कृतबर उट्टज तालतमाड़ मुखरित तीर्थजय, ताले आम ए देख क प्रश्न करवा कल कल डेस् चारु विहंग कल कल कौन हम मुखरित है ताले मुखरित लिखिबो। तापर खरे देछि डे सुशोभित तीरा कौन हम ताल तमाड़ हला, ताल तमाड़ इठी हम खरे ताल तमाड़ सुशोभित तीरा। गरे जोगी ऋषिगण डेस पवित्रा ना उट्टज पवित्रा हला, इठी लिखिबो उट्टज पवित्रा। तापर घरे पुण्य डेस पूर्ण प्रदेशा, पुण्य किए हम एटी ताले तीर्थजय हला, एटी पुण्य तीर्थजय पूर्ण प्रदेश हम ताले एटी जो तीर्थजय लिखाई। तापर देख विश्व भूमंडल डे स्नेहा, ताले एटी कौन हम ना विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा, एटी ताले कृतवर लिखिब। एबे देख तीन नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द मानक व्यवहार कर गोटे सार्थक वाक्य गठन कर, ताले ए शब्द मानक नहीं कि आम वाक्य गठन करवा। तो देख प्रथम देखिए प्रयोधी ना प्रयोधी, तो यह लगे कि वाक्यटे लिखा। तो देख प्रयोधी रंग नील है, जननी ताले जननी लगे कि वाक्यटे लिखले कौन हम ना जननी सदा निज संतान को बहुत स्नेह करे। तापर नील नील लगे कि वाक्यटे कौन हम ना समुद्रर नील ढेऊ देखा को बहुत भल लगे। तापर जोगी ताले जोगी लगे कि वाक्यटे लिखिदे पूर्वे जोगी माने जंगल रे बास करुथिले। तापर पुण्य पुण्य लगे कि कौन हम देख पुण्यभूमि पुरी रे श्री जगन्नाथ बास स्थान। तापर सणित सणित देख कौन हम ना उत्कल वीर माने शत्रु मानकर सणित को एही माटी को रंजित करिछंती। तापर मंदिर मंदिर लगे कि वाक्यटे लिखिदे तो कोणार्क मंदिर कारुकार्य बहुत सुंदर। तो यही आम कौन वाक्य गठन करे मनरु वाक्य गठन करपर। तापर देख चारि नंबर प्रश्न कौन कही ना निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख, ताले कौन कौन शब्द दे देख पवित्र सुशोभित सुंदर स्नेह सुनंदन पुण्य, यही शब्द गुड़िकर आम विपरीत अर्थबोधक शब्द लेखिबा। ताले पवित्र पवित्र विपरीत कौन अपवित्र, सुशोभित यार विपरीत हूँ कुशोभित, तापर सुंदर असुंदर बा कुत्सित है, तापर सुनंदन
कौन हम कुनंदन स्नेह क्रोध पुण्य पाप ए भलिया विपरीत शब्द गुड़ी को लिखिबा तापर पांच नंबर तेबे देखो एठी एपट सेपट हो लेखा जाइथिबा अक्षर गुड़ी को सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन कर ताले जो शब्द गुड़ा को देछि सब एपट सेपट ओलट पलट सब लेखा हिजि तो याकु आमे सजाई कि ओटे अर्थपूर्ण शब्द गठन करबा तो एठी देखो प्रथमे कोन लेखा हिजि भीष्म सूत तो याकु जदि आमे सजाई देबा कोन हबो सुशोभित से भलिया माताल तळ याकु सजाई देले कोन हबो ताल तमाल से भलिया मंडभ सुळभी ताले याकु जदि आमे सजाई कि लेखिबा एठी कोन हबो ना विश्व भूमंडल हला तापर देखो ए जो शब्द टी लेखाई छी आकु जदि आमे सजाई के लेखिबा कोन हबो कीर्ति अनिंद्या तापर एठी लेखाई छी जो शब्द टी आकु जदि आमे सजाई देबा हबो सुरवर तापर देखो 6 नंबर प्रश्न ताले कहि छी निम्नलिखित प्रत्येक शब्द रे चारि गोटी अर्थ सूचित होई छी तही रु ठीक उत्तर टी बाछि लेख त देखो कर दे छी जेंति चारु हास्यमय ताले एहार ठीक अर्थ कोटा देछि कोन कोन ना जहार हस सुंदर हसी हसी का ठो ठो हस मुरुकी हस ताले ठीक उत्तर कोटा हबो ना जहार हस सुंदर एटा होछि ठीक उत्तर तापर देखो तटिनी तटिनी रो अर्थ समुद्र बिल नदी तोटा कोटा ना ठीक उत्तर होछि नदी तापर देखो गरे देछि भूधर भूधर रो अर्थ ताले कोन पृथ्वी पर्वत भूमिकंप भूगोल ताले कोटा भूधर होछि पर्वत हला तापरे घरे देछि उटज उटज रो अर्थ कोन ओट ना पत्र कुडिया ना बगीचा ना मुनि ऋषि उटज होछि पत्र कुडिया तापरे ओरे देछि अरी अरी रो अर्थ होछि अरमा अरणा शत्रु रस ताले कोटा अरी होछि शत्रु तापरे विहंग ताले उडा जहाज आकाश पक्षी बिलुआ कोटा ठीक उत्तर पक्षी हला तापरे 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द गुड़ी कर व्यास वाक्य सह समास रो नाम लेख ताले टी सुरवर देछि पयधि अनिंद्या भूधर सणित चर्चित हला तो एही शब्द गुड़ी कर आमे व्यास वाक्य सह समास रो नाम लेखिबा तेबे प्रथम देछि सुरवर एहर व्यास वाक्य हबो सुर मानक मध्य रे बर एवं एहा केउ समास ना कर्मधारय समास तापर देखो पयधि पयधीर व्यास वाक्य ताले कोन पय को धारण करिछि जे ताले एहार समास समास रो नाम होछि उपपद तत्पुरुष हला तापर देखो अनिंद्या अनिंद्या रो कोन हबो ना जेहा को निंदा करा जाई पारिबो नाही हला ताले एहार व्यास वाक्य होछि जेहा को निंदा करा जाई पारिबो नाही एवं समास रो नाम कोन ना निषेधार्थक बहु ब्रीहि हला तापर देखो भूधर एहार व्यास वाक्य होछि भू को धारण करिछि जे एहार ताले एहा केउ समास ना उपपद तत्पुरुष तापर सणित चर्चित ताले एहार व्यास वाक्य कोन हबो ना सणित द्वारा चर्चित ताले एहा तृतीया तत्पुरुष हला एबे देखो 8 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक शब्द गुच्छरु अलग शब्द टिकु बाछ करे दिछि जननी मां भगिनी बहु माता तो एमानको मथिरु अलगा कोटा हबो ना भगिनी हला आउ जननी मां बहु माता एहा माने गोटे शब्द ताले मां रो गुडा को प्रतिशब्द तापर देखो ख एडी देछि घन वन अरण्य वन जंगल ताले एठी अलगा हबो कोटा घन हला आउ ए गुडा कहउछि जंगल वन अरण्य वन ए गुडा कहउछि गोटे हला तो एहा जंगल रो प्रतिशब्द तापर गरे दिछि जोगी ऋषि तपस्वी दयाळु मुनि ताले एठु कोटा अलगा हबो ना दयाळु तापर देखो घ पवन वायु मरुत शिखर अनिल ताले एमानक मधुर अलगा हबो शिखर तापर देख भूधर पहाड़ बारिध पर्वत अचल एटी ताले कोटा अलग हबो ना एटा बारिधि हबो हला बारिधि तो एटा होची अलग ताले भूधर पहाड़ एगुडा कहूची पर्वत अचल एगुडा पहाड़ रो प्रतिशब्द एबे देख 9 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़ी कर अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ जेंति पुत पुत साड़ी साड़ी धन्य धन सज साज चारु चोरु ए जो शब्द गुड़ा को देछि प्राय एक पाखापाखि सुना जाउछि उच्चारण एक प्रकार रो तो ए गुड़ा कर आमे अर्थगत पार्थक्य लेखिबा तेबे देख पुत गोटे पुतर अर्थ होछि पवित्र आ ए पुतर अर्थ होछि पुत्र
तापर देखो साड़ी आउ साड़ी तले गोटे साड़ी होउचे एक प्रकार धान हैला आ गोटे साड़ी होउचे पत्नी को सान भौणी को साड़ी कहा जाय तापर कोन दिचे ना धन्य आउ धन धन्य होउचे प्रशंसनीय आउ धन होउचे कोन ना धन संपद जो तापर हमरो चारु आउ चोरु चारु होउचे सुंदर चोरु होउचे यज्ञ रु उत्पन्न पायसान तापर सज आउ साज ताले सज होउचे यंत्रपाती बा उपकरण आउ साज होउचे बेश पोशाक तापर 10 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक सप्तर दुईटी लेखाएं प्रति सप्ताह लेख ताले पयोधि शुभ्र ऋषि विहंग तरंग ए शब्द गुडाकर आमे दुईटी लेखाएं प्रति शब्द लिखिबा ताले पयोधि देखो पयोधि होउचे सागर आउ सिंधु शुभ्र होउचे श्वेत आउ स्वच्छ ऋषि होउचे मुनि आउ तपस्वी तापर विहंग होउचे पक्षी आउ विहग तरंग होउचे उर्मी आउ लहरी एबे देख क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न दैछि ताले 11 नंबर कोन कहिछि चिर हासमय चिर भासमय कहाकु कहा जायछि ताले चिरहासमय कहाकु कहा जायछि चिरहासमय ना उत्कल जननी को चिरहासमय चिरहासमय कहा जायछि तापर 12 नंबर उत्कल जननी को शरीर को किए धोइ दैछि ना उत्कल जननी को शरीर को समुद्र रो पवित्र जलधारा धोइ दउछि तापर 13 नंबर उत्कल जननी कहार शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछंती तेबे उत्कल जननी नद नदी तटर शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछंती तापर 14 नंबर उत्कल जननी को समुद्र तट देश केउथिरे सुशोभित ना उत्कल जननी को समुद्र तट देश ताल तमाल वृक्ष मानक द्वारा सुशोभित तापर 15 नंबर नील पर्वत गुड़िक केउ आकृति रे उत्कल जननी को देह को सजाई छंती ना नील पर्वत गुड़िक तरंग आकृति रे उत्कल जननी को देह को सजाई छंती तापर 16 नंबर उत्कल जननी को अंग केउथिरे सभित तेबे उत्कल जननी को अंग केउथिरे ना घंच अरण्य द्वारा सभित हला ताने उत्कल जननी को देह रे सब कोन घंच अरण्य सब रहिछि आउ एगुडा को उत्कल जननी को देह रे बा ताको शरीर रे शोभा पाउछि तापर 17 नंबर उत्कल जननी को चक्षु केउ आलोक रे उज्जवल ताले ताको चक्षु केउ आलोक रे उज्जवल ना ज्ञान विज्ञान आलोक रे हला तो आमे लिखि देबा उत्कल जननी को चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोक रे उज्जवल तापर 18 नंबर प्रश्न केउ मानक पत्र कुड़िया रे उत्कल जननी पवित्र ताले केउ मानक पत्र कुड़िया रे ना जोगी ऋषि मानक ना तो आमे लिखि देबा जोगी ऋषि मानक पत्र कुड़िया रे उत्कल जननी पवित्र तापर 19 नंबर कहिला उत्कल माताक शरीर कहार रक्त रे चर्चित होईछि ताले कहा कहार रक्त रे ना शत्रु मानक रक्त रे हला तो आमे लिखि देबा उत्कल माताक शरीर शत्रु मानक रक्त रे चर्चित होईछि तापर 20 नंबर उत्कल प्रदेश केउथिरे पूर्ण होईछि ताले एहार उत्तर कोन ना पवित्र तीर्थभूमि द्वारा पूर्ण होईछि हला तो आमे लिखि देबा उत्कल प्रदेश पवित्र तीर्थभूमि द्वारा पूर्ण होईछि तापर 21 नंबर उत्कल जननी केउ मानक पई वंदनिया केउ मानक पई ना महान कवि एवं सुपुत्र मानक पई वंदनिया ना तो आमे लिखि देबा देखो देबा उत्कल जननी एहार महान कवि और सुपुत्र मानक द्वारा वंदनिया तापर 22 नंबर उत्कल रो खेत केउथिरे सुशोभित उत्कल रो खेत केउथिरे सुशोभित ना धान शस्य रे बुझि पारल तो आमे एहार उत्तर कोन लिखिबा ना उत्कल रो खेत धान शस्य रे सुशोभित 23 नंबर उत्कल भूमि रे केउ मानक गृह शोभा पाइछि उत्कल भूमि रे केउ मानक गृह शोभा पाइछि ना बहु वीर एवं योद्धांक गृह हला तो एठी आमे लिखि देबा कोन ना उत्कल भूमि रे बहु वीर ओ योद्धांक गृह शोभा पाउछि तापर 24 नंबर केउ माने सारा विश्व रे स्नेह भाजन होइछंती केउ माने सारा विश्व रे स्नेह भाजन होइछंती ना उत्कल रो गुणी ज्ञानी ओ विद्वान माने ना तो लिखि देबा आमे उत्कल रो गुणी ज्ञानी ओ विद्वान माने सारा विश्व रे स्नेह भाजन होइ परिछंती
तापरे 25 नंबर कहार अनित्य कीर्ति भुवन विदित कहार अनित्य कीर्ति भुवन विदित तो यार उत्तर कौन हम ना उत्कल जननी ना तो उत्कल जननी अनित्य कीर्ति भुवन विदित तापरे 26 नंबर क्यों मानक कलरवरे उत्कल भूमिर परिवेश मुखरित होउछि क्यों मानक कलरवरे ना पक्षी मानक कलरवरे ना तो यार उत्तर होउछि पक्षी मानक कलरवरे उत्कल भूमिर परिवेश मुखरित होउछि तापरे 27 नंबर उत्कल जननी को बेस क्यों थिरे शोभा पाउछि तो यार उत्तर कौन हबो ना उत्कल जननी को बेस सुंदर कलाकृति रे शोभा पाउछि हैला तापर रहिछि सप्रसंग सरलार्थ तो एठी देख 28 नंबर कोन दैछि सरलार्थ लिखिया पई दैछि तो एठी देख पुत्र पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा सुप्रत टिनी कुल शिखर समीरा जननी 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 ए जो पदटी दैछि ए पदटी रो आमे सरलार्थ लेखिबा तो देख पिला माने तबे देख सरलार्थटी एई भाबरे लेखिबा ताले उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सिंधु पुस्तकर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक लिखित बंदे उत्कल जननी कवितारु आसी अछि ताले एई कवितार लेखक होउछन्ति लक्ष्मीकांत महापात्र ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तो एठारे कवि उत्कल जननीक बक्षकु समुद्रर पवित्र जलधारा किपरि धोई दिए से विषय वर्णना करिछन्ति ओ ता सहित समुद्र तटारे थिबा शोभा को अति सुंदर भाव रे वर्णना करिछन्ति ताले एठी कोन वर्णना करिछन्ति ना कवि उत्कल जननी को बक्ष को समुद्र रो पवित्र जलधारा किपरि धोई दउछि एवं कोन ना समुद्र तटारे थिबा शोभा को अति सुंदर भाव रे से वर्णना करिछन्ति आम उत्कल जननी प्रकृतरे शोभामयी सौंदर्यमयी और कीर्तिमयी असरंती वनभूमि उत्कल जननी शरीर को घोड़ाई रखी यार विराट पर्वतमाला वनकानन शोभित ताले आम उत्कल जननी प्रकृतरे शोभामयी सौंदर्यमयी एवं कीर्तिमयी ना आउ यही उत्कल उत्कल जननी शरीर को किए घोड़ाई रखी ना असरती वनभूमि एवं यार विराट पर्वतमाला वनकानन शोभा पाउछि जेपरी नील लहरीमाला समुद्रर सौंदर्य बढ़ाई दिए सेपरी नील लहरीमाला उत्कल जननी शरीर रूप को आहुरी द्विगुणित कर दिए पुणी पक्षी मानकर सुमधुर राव भूमि आकाश पर्यंत पुलकित कर दिए ताले पक्षी मानकर सुमधुर राव आकाशरु कौन माटीरु आकाश पर्यंत कौन कर दिए ना पुलकित कर दिए नदी कूलर शीतल सुलुसुलिया पवन प्रति मनुष्य मन को सतेज कर दिए तो कवि उक्ति सतरे मर्मस्पर्शी होई तो यही भाव में आम सरलार्थटी लिखिदे देख 29 नंबर उत्कल सुरवर दर्पित गेहे अरिकूल शोणित चर्चित देहे विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहे जननी 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 ए पदटीर आम तेबे सरलार्थ लिखिबा तेबे देख संक्षिप्त पद्यांशटी साहित्य सिंधु पुस्तकर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक रचित बंदे उत्कल जननी कवितारु आनीत एठारे कवि उत्कल माटी को गौरव आनीथिबा वीर योद्धा ज्ञानी गुणी विद्वान मानक कथा को वर्णना करिछन्ति ताले एही पदरे कवि कहा कथा वर्णना करिछन्ति ना आमर उत्कल माटी को गौरव आनीथिबा वीर योद्धा एवं ज्ञानी गुणी विद्वान मानक कथा को एठी वर्णना करिछन्ति जुगे जुगे उत्कल जननी हेउछि वीर मानक जन्म देइथिबा गर्भा ताले जुग जुगरु ना आमर ए उत्कल जननी केते वीर मानक से जन्म देइछि इतिहास रे लिपिबद्ध अनेक वीर और वरपुत्र मानक ए उत्कल जननी प्रसव देइछि जेउ माने निज स्वार्थ को परित्याग करी निज को जलांजलि देइछन्ति उत्कल माता पाई जो मानक नहीं आम आज गर्व अनुभव करूछ ए उत्कल वीर पुत्र मान शत्रु मान सहित संग्राम कर निज रक्त उत्कल जननी को गौरवान्वित कर उत्कल ज्ञानी गुणी विद्वान माने तांकर प्रतिभा बल समग्र विश्व में मंडित हो पारि तेबे केते वीर सबू निजर स्वार्थ को परित्याग कर उत्कल माता निजक जलांजलि
ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ନା ତ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଏଠି କବି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ତିରିଶ ନମ୍ବର କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ 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 ତେବେ ଏହି ପଦଟିର ଆମେ ଶରଣାର୍ଥ ଲେଖିବା ତେବେ ଦେଖ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିର ନମସ୍ୟା ତେବେ ଉତ୍କଳର ମହାନ କବି ଏବଂ ସୁପୁତ୍ରମାନେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିର ନମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରୁ କବିଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆଭାସ ମିଳେ ତେବେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଶେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତେବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।